नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेटवर्किंग गुरु जी में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि इस MI राउटर का फॉर्मवेयर किस तरह से अपग्रेड करना है और उसमें क्या एडवांस अपग्रेड होने के बाद में क्या एक्स्ट्रा फीचर ऐड हुए हैं। अगर आपने मेरा इससे पहले का वीडियो नहीं देखा जिसमें मैंने इस राउटर को किस तरह से अनबॉक्स करना है और उसे किस तरह से कॉन्फिगर करना है, वो सारी चीज़ें मैंने बताया था, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में चले जाइए। मैं यहाँ पर आपको पिछले वीडियो का लिंक दे दे रहा हूँ। तो अभी इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं कि फॉर्मवेयर किस तरह से अपग्रेड करना है और उसमें क्या नया फीचर ऐड हुआ है। तो यहाँ पर मैं इस राउटर में लॉगिन कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है दोस्तों, हम लोग चले जाते हैं सेटिंग के अंदर। सेटिंग में मिलता है आपको स्टेटस का ऑप्शन, यहाँ पर आपको मिलेगा अपडेट्स, ठीक है। अब यहाँ पर ये चेकिंग कर रहा है, चेक करने के बाद यहाँ पर हमको बता दिया कि अपडेट जो है अवेलेबल है वो 7.25 MB का अपडेट है। अभी जो इसके अंदर वर्ज़न है वो ये वर्ज़न है 19 मई 2017 का, ठीक है। अब इसे अगर हमें अपडेट करना है तो जस्ट सिंगल क्लिक करना है अपडेट के ऊपर। डिवाइस विल डिस्कनेक्ट फ्रॉम नेटवर्क वाइल राउटर इज़ अपडेटिंग, कीप राउटर कनेक्टिंग टू द पावर सोर्स ड्यूरिंग अपडेट, ठीक है। तो दोस्तों, ये जो है डिस्कनेक्ट हो जाएगा नेटवर्क से और आपको अपडेट के टाइम में आपका ये जो राउटर है उसको पावर से डिस्कनेक्ट नहीं करना है, ठीक है। ओके करना है यहाँ पर। पहले फाइल डाउनलोड होगा हमारे लोकल कंप्यूटर में, उसके बाद फिर अपलोड मारेगा, थोड़ा सा टाइम लग सकता है इसमें। तो दोस्तों, यहाँ पर दिया हुआ है दिस विल टेक अबाउट 7 मिनट, राउटर्स नोटिफिकेशन लाइट विल टर्न ब्लू व्हेन अपडेट इज़ कंप्लीटेड। तो मेरा राउटर जो है अभी ब्लू कलर इंडिकेट करने लगा है। अब मैं इसका पेज वापस से ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर क्या IP दिया हुआ है, ठीक है। ये IP के ऊपर पेज को ओपन करना है, 192.168.1.1। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर फ्रंट पेज पर तो दोस्तों कुछ भी नया मुझे नहीं दिख रहा है, सेम था जो वहाँ पर था पहले के, इसमें सेम है। सेटिंग में आ जाते हैं, सेटिंग के अंदर वाईफाई में वही ऑप्शंस हैं, ठीक है। इंक्रिप्शन मॉडल में भी सेम ऑप्शंस हैं, चैनल वाइन सेम सेम, ठीक है। यहाँ पर तो कुछ चेंजेस नहीं है। नेटवर्किंग सेटिंग में देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर भी वही तीन चीज़ें हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक है। सिक्योरिटी में जाते हैं, कुछ भी नहीं, सेम है सारी चीज़ें। लैन सेटिंग के अंदर भी सेम ऑप्शंस हैं। ठीक है, स्टेटस में आपको अप टू डेट दिखा रहा है, यहाँ पर भी कुछ नया ऑप्शन नहीं है। एडवांस में अगर जाते हैं तो QoS आप देख सकते हैं, सारी चीज़ें सेम है।
तो जैसे कि आप देख सकते हो, तो कुछ भी नया इंटरफेस में कुछ ऐड नहीं किया है, बस इंटरनली इम्प्रूव हुआ है। पहले के डिवाइस में आप, पहले के फर्मवेयर में आप कम डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते थे, मींस मैक्सिमम एक साथ में ऑनलाइन डिवाइसेस की कैपेसिटी कम थी। इसमें जो है 64 डिवाइसेस सेम टाइम पे कनेक्ट होकर ब्राउजिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ नई चीज़ें, एक दो चीज़ें नया दिया हुआ है, कुछ इम्प्रूवमेंट किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सेटिंग या कॉन्फ़िगरेशन के अंदर कुछ भी नया चीज़ देखने को नहीं मिलने वाला है, ठीक है दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद यह वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।